तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसार। आज मेरे पास रिवाइव इंस्टेंट स्टार्च, जिसे बोलते हैं रिवाइव इंस्टेंट स्टार्च, तो इसे मैं आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से रिवाइव इंस्टेंट स्टार्च को यूज किया जाता है। घर पे आप किस तरह से साड़ियाँ स्टार्च कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि सर हमारे पास एक साड़ी है, दो साड़ी है, आरारूट का स्टार्च बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, तो हम ऐसी एक दो साड़ियों को, अभी ये साड़ी है, और उसके ऊपर हम रिवाइव स्टार्च से स्टार्च करेंगे ये साड़ी को, इस साड़ी को रिवाइव स्टार्च से स्टार्च करेंगे। ये जो पैकेट है, मैंने कम से कम 5-6 महीने हो गए हैं मुझे लाके, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरा काम साड़ी रोल प्रेस स्टैंड पे अच्छे से हो जाता है, तो मेरे पास आज टाइम है और इस साड़ी को मैं आपको स्टार्च करके दिखाऊंगा। घर पे आप किस तरह से इसे स्टार्च कर सकेंगे, कॉटन की साड़ी को, बहुत सभी तरह की कॉटन की साड़ी हो तो आप इससे स्टार्च कर सकते हो, और कुछ भी डार्क पैचेस ना आए, व्हाइट व्हाइट स्पॉट जो आप घर पे स्टार्च करने से हो जाते हैं तो वो नहीं होंगे इस तरह से। और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही मैं अभी यूज करने वाला हूँ, मैंने आज तक इसे यूज नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे एक्सपीरियंस है उससे मैं साड़ी आपको खराब नहीं होने दूंगा और अच्छे से यूज करूंगा। और फिर उसके बाद में इस साड़ी को मैं रोल प्रेस स्टैंड पे सिर्फ सुखाने डालने वाला हूँ, लेकिन मैं इस साड़ी को आयरनिंग करूंगा। घर पे आप किस तरह से इस साड़ी को आयरनिंग कर सकेंगे, लॉन्ड्री जैसी फिनिशिंग आप किस तरह से ला सकेंगे, ऐसी भी एक वीडियो बनाऊंगा। बैक टू बैक दोनों वीडियोस आपको देखनी है, हाउ टू यूज रिवाइव स्टार्च एट होम एंड हाउ टू आयरन साड़ी स्टार्च एट होम, ऐसी दो वीडियोस होंगी, तो आपको बैक टू बैक दोनों वीडियोस देखनी है। इससे आप फिर एक साड़ी अच्छे से अच्छे घर पे स्टार्च करके, घर पे आयरनिंग करके आप अपने पैसे बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स चलो तो फिर शुरू करते हैं। अभी इसमें हम ये पूरा पैकेट में यूज करूंगा, क्योंकि हमें साड़ी ज्यादा स्टीप होनी चाहिए, कितना पानी मिलाना है, कैसे इसका पूरा प्रोसीजर है, तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखिए और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसी रेगुलरली वीडियोस में लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, इसमें मैं पानी लूंगा पहले, जितना साड़ी स्टार्च के लिए पानी लगेगा 1 या 2 लीटर वो लूंगा मैं, और मैं ये पूरा स्टार्च करने वाला हूँ। इसमें हमारी 2 साड़ियाँ या 3 साड़ियाँ तक हो जाएंगी, लेकिन हम लॉन्ड्री ओनर्स हैं तो मुझे अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी स्टिफ करके देनी है कस्टमर को। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पानी लिया है, इतना लिया है मैंने, तो अब मैं इसमें ये स्टार्च डालूंगा। इस तरह से होता है ये स्टार्च। तो फ्रेंड्स, हम इसे अभी 5 या 10 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये पूरा वाटर में डाइल्यूट, वाटर में ऑब्जर्व होना चाहिए स्टार्च,
क्योंकि अभी अगर मैं स्टार्च में साड़ी डालूंगा तो उसके ऊपर वाइट वाइट पैचेस आ जाएंगे, तो मैं इसे कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, और फिर उसके बाद में देखते हैं किस तरह से स्टार्च होता है। तो 5 या 10 मिनट बाद हम मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा स्टार्च इस तरह से तैयार हो गया है। थोड़ा सा स्टिफ दिख रहा है, अब इसको मैं छान लूंगा। तो फ्रेंड्स, इतना हमारा स्टार्च बन गया है, अब वो साड़ी हम इसमें स्टार्च करेंगे। और साड़ी आपको कैसी भी हो, आपको साड़ी ऐसी पकड़नी है स्टार्च करते टाइम, इस तरह से ऐसा पकड़ना है ऐसी। ऐसी पकड़ने से साड़ी को स्टार्च अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये साड़ी इस तरह से हमें 1-2 मिनट तक इसे ऐसा करना है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप इसे कैसे भी सुखा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसा स्टैंड ही होना चाहिए। आप इसे किस तरह से भी सुखा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि साड़ी सूखने के बाद कितनी स्टिप होती है। और हाँ, ये जो मैंने रिवाइव का जो पैकेट यूज़ किया है उसमें आप कम से कम 5-6 साड़ी आप अच्छे से स्टार्च कर सकेंगे। ये जो स्टार्च किया है मैंने, तो प्योर कॉटन लाइट कलर की साड़ी को स्टार्च किया है। और अगर आपको कुछ ही डार्क कलर की साड़ी अगर स्टार्च करनी हो तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें मिलाना पड़ेगा।
तो घर पे आप इसे इस तरह से स्टार्च कर सकेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं इसे रोल प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे आयरनिंग करने वाला हूँ आपके लिए। जो भी हमारे फीमेल सब्सक्राइबर है, जो भी मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, सपोर्ट करते हैं हमें, तो उनके लिए मैंने ये वीडियोस बनाई है और सभी के लिए यूज़फुल होगी। रिवाइव से किस तरह से स्टार्च किया जाना चाहिए, इसी स्टार्च के मटेरियल से आप शर्ट्स भी स्टार्च कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा स्टार्च मिला के फिर उसे छान लीजिए, कलर के जो वाइट पैचेस आते हैं वो नहीं आएंगे। और इस इतने स्टार्च में मेरे और 4-5 साड़ियाँ स्टार्च हो जाएंगी ऐसा मुझे लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।